नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। सवाल है, साइटिका है या नहीं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। सवाल है, साइटिका है या नहीं? कमर दर्द जो आपको हो रहा है वो साइटिका है भी या नहीं, कैसे पहचाने? चलिए बात करते हैं वो पांच बातें जिस पे ये निर्भर करेगा कि आपको साइटिका है या नहीं है। और आपको साइटिका या कमर दर्द जैसी कोई भी बीमारी क्यों हो रही है, साइटिका बीमारी है भी या नहीं, आपको कोई कमर दर्द के लिए की वजह से होने वाली बीमारी हुई भी है या नहीं, पूरा वीडियो जब देखेंगे तो खुद पर हंसी इसलिए आएगी क्योंकि ज्यादातर बीमारियां या ज्यादातर लक्षण बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादातर लक्षण जिसमें कमर में दर्द होता है बीमारियां होती ही नहीं। आखिरी तक देखना, पूरा समझना और उसके बाद निष्कर्ष पे पहुंचना कि ये जो आपको हो रहा है ये वाकई में कोई बीमारी है या नहीं है। देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। मैंने आपसे एक सवाल किया कि जो तकलीफ आपको हो रही है यानी कमर दर्द हो रहा है, आपको कोई बीमारी है भी या नहीं। पिछले एक सालों में सैकड़ों बल्कि हजारों रिपोर्ट्स मुझे मिली, मेरी टीम ऑफ डॉक्टर ने उस रिपोर्ट्स की स्क्रूटनी की और इन हजारों रिपोर्ट्स को देखने के बाद सबसे कॉमन जो पांच बातें हमारे सामने आई, उन सारी पांच बातों को एक के बाद एक आपके सामने रख रहा हूं। बहुत मजा आएगा आपको और बहुत हंसी आएगी आपको अपने आप पर कि जिन बीमारियों को बताकर या जिन तकलीफों को देखकर आप ये समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बीमारी है, आप परेशान हो रहे हैं कि मुझे सियाटिका हो गया, मुझे डिस्क दब गई, मेरी कमर की नस दब गई है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये सारी बातें क्या वाकई में कोई बीमारी है भी या नहीं है, या केवल एक छोटा सा लक्षण मात्र है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हर कमर दर्द सियाटिका होता है या नहीं, पहला। और दूसरा, ज्यादातर कमर दर्द में आपको कोई बीमारी होती भी है या नहीं। तो कुछ पांच बातें। पहली बात ध्यान से सुनिएगा, पहली बात यह है, हमें जितनी रिपोर्ट्स मिली उन सभी रिपोर्ट्स को ध्यान से देखने के बाद मुझे जो सबसे पहली बात यह नजर आई वो ये है, क्योंकि हजारों की तादाद में रोज रिपोर्ट्स आती हैं, मेरे ख्याल से 3 से 4 हजार पेशेंट्स हमने अभी तक रिपोर्ट्स के माध्यम से समझ में जो आए, हमें व्हाट्सएप आया या हमें डायरेक्ट बात हुई, यूट्यूब में आपने देखा, जो चैनल पे कमेंट्स आते हैं उसमें देखा, तो सभी एक ही तरह की तकलीफ बताए थे, पैरों में झुनझुनी आती है, पैरों में जलन लगता है, कमर में अकड़न होती है, कमर में दर्द होता है, बस इतनी बात। एमआरआई की जब रिपोर्ट आई तो सबसे पहली बात ये निकली, L1, L2, L3, L4, L5 के बीच के डिस्क प्रोलैप्स, स्टेनोसिस ऑफ द स्पाइनल कैनाल, पैरा स्पाइनल मसल स्पाज्म, थीकल सैक कंप्रेशन, और जो पांचवी बात है वो है ऑस्टियोफाइट्स का डिपोजिशन। अब इन सारी बातों को जब मैं एक साथ जोड़ूं तो मुझे ये बताइए कि कहां पे कोई एक बीमारी है या ये कोई बीमारी है भी या नहीं है। मैं जब बहुत पड़ताल पे गया, मैंने जब पैथोलॉजिकली इसको जानने की कोशिश की, और यदि मैं और गहरा जाता गया तो मुझे एक बात बड़ी अच्छे समझ में आई
पैथोलॉजिकली जाने पे, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के नेचर पे जाने पे मुझे कोई एक बहुत बड़ी बीमारी नजर नहीं आई। ये था बैकबोन में, आपकी कमर में या तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। अब इसको इतनी बड़ा नाम देके मैं आपको डराना नहीं चाहता, मेरा उद्देश्य है डरिए ना, आप चीजों को समझिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब आपकी जो बोन्स हैं, आपकी जो वर्टिब्रा हैं, हड्डियां हैं, उन हड्डियों में इंफ्लामेशन, अंदर पे हल्का स्वेलिंग आ जाना। बहुत बड़ी बात नहीं है, यदि इनको, इसके बारे में बताऊंगा आगे कि ये आगे जाकर किस तरह से बदलाव हमारे शरीर में होता है और कैसे ये सब चीजें हो जाती है। दूसरी बात जो थी, किसी की रिपोर्ट में लिखा था कि नसें दब रही हैं। चलिए मान लिया आपको सियाटिका जैसा कोई चीज हो रहा है। तीसरी बात, किसी ने बोला डिस्क दब गई है तो दर्द हो रहा है। किसी ने बोला कि मुझे कमर में जकड़न सी महसूस होती है। अब ये सारे लक्षण जो हैं, ये आपको नहीं लगता कहीं कि ये जो मैं अगली 5 बातें बताने वाला हूं इनसे जुड़ा हुआ है? तो पहली बात ये है, सबसे मुद्दे की बात, किसी ने भी मुझे ये नहीं लिखा कि सर मैं रात में 3 बजे सोता हूं, सुबह 7 बजे उठ जाता हूं, दोपहर का खाना मेरा शाम के 4 बजे होता है, सुबह का नाश्ता तो भागे दौड़े हो गया तो हो गया, नहीं तो पता नहीं। और जितने भी लोगों से मैंने ये पूछा, उन्होंने ये बोला कि ये दर्द है वो दर्द है, किसी ने ये नहीं बोला कि मेरी खुद की जीवन शैली खराब हो चुकी है। तो पहला मुद्दा है आपकी जीवन शैली, यानी आपकी लाइफस्टाइल, आप कितने टाइम पे सुबह सोकर उठ रहे हो, कितने बजे नाश्ता हो रहा है, खाना कैसा हो रहा है, ऑफिस जाने का टाइमिंग के पहले नाश्ता हो रहा है कि नहीं, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, रात का खाना, ये हो रहा है कि नहीं सिस्टमेटिक, और रात में सो रहे हैं कि नहीं, ये सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। ये तो पहला पॉइंट है, जीवन शैली सुधार लीजिए। दूसरी बात, खाने का समय इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ है, इतना ज्यादा अस्त व्यस्त है कि मुझे तो दया आने लग गई है। मुझे बात करता हूं तो मुझे दया आती है, मेरी टीम ऑफ डॉक्टर यहां देख के बात करते हैं रोज, हम लोगों को दया, लोग खाना नहीं खा रहे हैं भाई, सुबह नाश्ता, सर नाश्ता करने का फुर्सत नहीं है इसलिए टिफिन ले जा लेता हूँ। टिफिन में क्या, 2 रोटी लेता है सर और थोड़ी सी सब्जी रहती है, क्यों, बाकी है जिंदगी, आधी जिंदगी ऑफिस में खाना खाते खाते बीत गई और उस खाने में केवल 2 रोटी सब्जी रहती है और सलाद रहता है, सलाद बड़ी मुश्किल से रह गया तो रह गया। तीसरी बात, दो दो तीन तीन बजे सो रहे हैं बिना किसी कारण के, कोई कारण हो या आपको रात में कुछ काम होता हो वैसा नहीं, बिना किसी कारण के रात में पकड़ लिए मोबाइल और चालू हो गए बिना किसी का, सबसे पहले मोबाइल सुला देना, ऐसे ऐसे करके बेचारे बच्चे सुलाते ना वैसे मोबाइल सुलाया करो। चौथी बात, गलती से भी यदि मैं किसी को बोलूं कि थोड़ा एक्सरसाइज कर लो या पीछे बेंडिंग वाली एक्सरसाइज कर लो तो डॉक्टर साहब ने गलती कर दी। मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि यदि आपको पता है कि आपकी कमर में जकड़न है, दर्द है, तो वो जकड़न को ठीक करने के लिए थोड़ा बेंडिंग तो कर लो भाई मेरे। 9-9, 10-10 घंटे गए, आप ऑफिस में काम करते हैं, 9 से 10 मिनट भी यदि आप अपनी बॉडी के लिए काम कर लेंगे तो फर्क क्या पड़ता है, आपकी बॉडी ठीक होने वाली है ना। अगली बात, बैठने का तरीका माशाल्लाह, मतलब ऐसे बैठे हैं इतना तो रावण भी नहीं बैठता, यदि रावण इस दुनिया में होते ना, वो तो काफी, कहते हैं कि काफी प्रकांड व्यक्ति थे, पता नहीं कैसे व्यक्ति थे मुझे नहीं मालूम, वो भी बेचारा ना आज की डेट में ना ऐसे सीधे बैठते। लेकिन ऐसे हम ऐसे ऐसे तन के ऐसे बैठ जाते हैं जैसे पैसे मिलने वाले, ओलंपिक में जाने वाले। हम ये सारी बेसिक बातें कब करेंगे, कब सुधारेंगे? अच्छा, दवाइयां, छठवीं बात तो एक और बताना भूल गया, दवाइयां, हर आदमी को दवाई खानी है भाई, हर इंसान को केवल दवाइयां ही खानी है। ये ऊपर की जो 5 बातें की, जीवन शैली, खाना खाने का समय, सोने का समय, व्यायाम, उठने बैठने का तरीका, ये 5ों बातें जो मैंने आपको बताई है, आपको थोड़ा लगता नहीं कि इस बात पे थोड़ा फोकस करूं? कुछ एक पेशेंट को तो मुझे मोटिवेशनल वीडियो भेजना पड़ा है मेरे व्हाट्सएप नंबर से, 6265772077, जिस नंबर को हमने डिस्प्ले किया है उसमें हमें मोटिवेशनल वीडियो भेजना पड़ा, डॉक्टर साहब इतना दर्द करता है उठ नहीं पाती हूं,
तो मुझे वो वीडियो भेजना पड़ा है जिसके हाथ पैर ही नहीं थे, जिसने एवरेस्ट क्लाइम कर लिया उसका वीडियो भेजना पड़ा है मुझे। मैंने लिंक सेंड किए, यदि आप लोगों में से कुछ लोगों को यह वीडियो मिला होगा तो प्लीज एक बार जरूर देख लेना। जिसके हाथ पैर नहीं है, जो खुद उसके बावजूद भी अपनी पूरी एक्टिविटी करता है और ओलंपिक जैसे गोल्ड मेडल लेके आता है, ऐसे लोगों का वीडियो मैंने आपको सेंड किया हूं, सोचना एक बार। मेरा बिल्कुल आपको किसी तरह से व्यथित करने का मन नहीं है। आप इतनी दवाइयां क्यों खाना चाहते हैं? हम लोग इतनी दवाइयां आखिर खाना क्यों चाहते हैं भाई? हमारे साथ समस्या क्या है? हम लोग हर चीज की दवाइयां, डॉक्टर साहब कल से कमर में दर्द है, दवाई बताइए। डॉक्टर साहब वो पीठ अकड़ गई है, दवाई बताइए। अरे पीठ अकड़ गई है, थोड़ा सा ऐसे करो, एक्सरसाइज करो, पीठ को बेंडिंग कर लो, ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल से बाबा रामदेव ने हमारे देश में करोड़ों लोगों को एक बात सिखाई थी, थोड़ा एक्सरसाइज कर ले, हाथ पैर हिला ले, क्या जाता है, योगा करना पड़ेगा। बोलते थे ना, करो ना भाई, कब करोगे? इतना अच्छा पतंजलि आयुर्वेदा ने योग बताया, योग छोड़ के पूरा दवाई खाने भाग गए, सारे के सारे दवाई खाने भाग गए। हम इतना इतना क्यूरियस क्यों है दवाइयों को खाने के लिए? मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। हम हर बार दवाई क्यों खाना चाहते हैं? देश के अलग अलग कोने से आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं सवालों का जवाब दूंगा, मेरी टीम ऑफ डॉक्टर्स आपको सवालों के जवाब देगी, लेकिन मैंने आपको ये जो बताई बात है वो एकदम कॉमन बातें बताई है। कभी आपने सोचा आप दूध पीते हो? आपके दिमाग में ना एक फितूर बैठा हुआ है, दूध पीने से गैस बनती है। हजारों लोग बोल चुके हैं इस बात को, दूध पीने से गैस बनती है, पेट फूलता है। जब आप पैदा हुए थे आपकी आंतें सबसे पतली झिल्ली की जैसे थी, तब तो मां का दूध पच जाता था। आज गौ माता का दूध नहीं पच रहा है। एक्चुअली दूध पच जाता है, हम लोग दूध पीने के बाद बैठे रहते हैं, ऐसे बैठे हैं जैसे, अरे कमर सीधे करो, थोड़ा व्यायाम कर लो, एक्सरसाइज कर लो। समस्या क्या है? समस्या यह है कि हम आलसी हो गए। हमारा सिस्टम, हमारी बॉडी का सिस्टम, खुद की बॉडी का सिस्टम करप्ट कर लिया हमने। हमारा खुद की बॉडी करप्शन का शिकार हो रही है, हम इसको बेवकूफ बना रहे हैं, ओरिजिनल काम नहीं करते, बेवकूफ बना रहे हैं हम अपनी बॉडी को। हम सुबह का नाश्ता जो सबसे मजबूत होना चाहिए वो नहीं करते। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो छोड़ दीजिए, दोपहर का खाना तक ढंग से नहीं खा सकते। कभी कभी मुझे इस बात को सोचकर बड़ा दुख होता है कि हमारे यहां ज्यादातर किडनी के मरीज दवाइयां खाने के बाद मरीज बने। मुझे इस बात को सोचकर बड़ी, मतलब मैं सोचते रह जाता हूं कि जिन पे भी किडनी में पथरी हो रही है वो कैल्शियम की दवाइयां खा खा के पथरी बना रहे हैं। जिनके लिवर फेल हो गए वो रात में 3-3 बजे तक उठपटांग मसाले और मिर्च खा के और ड्रिंक करके उन्होंने लिवर फेल कर लिया। कभी सोचा है हमने कि हम अपने हाथ से अपने शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? दवाइयां बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं आपको बेसिक बातें कर रहा हूं। यदि इतना कर पाया, मैंने पिछले बार भी बोला था, इस देश में जब तक मैं, जो मेरा ड्रीम है वो यदि पूरा हो जाता है, मैं चाहता हूं 1.5 से 2 करोड़ लोगों को मुफ्त में ट्रीटमेंट उपलब्ध कराऊं उसी व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, जानकारी दूं उन्हें। पर मुझे लगता है कि हमें केवल दवाइयां खाने की आदत है। दवाइयों पे फोकस बंद करो, लाइफस्टाइल, जीवन शैली सुधारने में फोकस करो। हर बार बोलूंगा, बहुत ज्यादा नया कुछ नहीं है बोलने के लिए, मैंने बोला है आपको लाइफस्टाइल सुधार लो दोस्त मेरे, लाइफस्टाइल सुधारो, मेहनत करो अपने शरीर को लेकर। मेहनत नहीं हो रही है, पूरी मेहनत मोबाइल के साथ चल रही है, सारी मेहनत मोबाइल के साथ चल रही है। बॉडी के साथ, बॉडी को मोबाइल बनाओ ना, मोबाइल को सिर में क्यों डाल रहे हो? बॉडी को मोबाइल बनाइए, आप मेहनत कीजिए अपनी बॉडी को लेकर। एक्सरसाइज, व्यायाम, 25-25 साल 20-20 साल के बच्चे बोल रहे हैं, सर सियाटिका हो गया, कमर दर्द हो रहा है, कैसे करूं? रनिंग करो। बोले डॉक्टर साहब ने मना किया है रनिंग करने। अरे यार अभी नहीं दौड़ोगे तो बाद में कब दौड़ोगे? बुजुर्ग हो जाओगे तब, बुजुर्ग होने के बाद तो वॉक करते हैं। यंग हो दौड़ो, नौजवान हो दौड़ना तो पड़ेगा।
अभी नहीं तो कभी नहीं। सियाटिका से संबंधित, कमर दर्द से संबंधित, बैकबोन की समस्याओं से संबंधित दवाइयां मैंने नीचे लिखी हुई हैं, लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य आपको दवाइयां खिलाना नहीं है, क्योंकि यही दवाइयां जब आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि सर मेरे को सियाटिका हुआ दवाई बता, मैं यही बताने वाला हूं आपको, ये बहुत कॉमन है। आप इसी चीज के लिए मुझे फोन करके पूछे मत कि दवाइयां क्या, यही दवाई रहेंगी। उद्देश्य इतना है कि लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए दिमाग लगाना चालू कर दो। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने के लिए और जिस तरह से आप अपने लोगों तक वीडियो पहुंचा रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।